ऐसे आप उम्मीद रखते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला तमाम इंसानों की मुश्किलात आसान करे और हर किसी के लिए बेहतरी और आसानी के रास्ते खोल दे। नाज़रीन, आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर रबरडान पार्क है और ये अबू धाबी में हमारे घर के कुछ ही फासले पे पार्क है जहाँ पे हम रहते हैं। तो यहाँ पे इन दिनों जो है मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, यहाँ पे इस हद तक सर्दी नहीं होती। यहाँ पे बहुत ही कम सी सर्दी होती है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ना अप्रैल का मौसम होता है, इसी तरह यहाँ पर जो है वो इस में जनवरी फरवरी में इस तरह का मौसम होता है। दिसंबर में ऐसा मौसम होता है जैसे हमारे पाकिस्तान में अप्रैल का मौसम होता है, ऐसे होता है। तो इसलिए एंजॉय करने के लिए, क्योंकि फुल जो है वो गर्मी रहती है, बहुत ही इतनी सख्त गर्मी होती है कि बंदर बर्दाश्त से बाहर होती है। तो ये वाला जो मौसम होता है इसमें लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं। अरबिक फैमिलीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो फैमिलीज़ हैं वो निकलती हैं और इन्जॉय करती हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको सामने से नज़र आ रहा होगा, इस तरह जो है सब ग्रुपिंग में आते हैं, बारबेक्यूज वगैरह करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा इन्जॉय करते हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ होती हैं, मोस्टली इंडियंस होते हैं, तो हम लोग अकेले अकेले होते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ जो इन्जॉय है वो बच्चों के साथ ही जो है वो करते हैं, या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह हों तो उनके साथ ही। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं वो झूले ले रहे हैं, और ये देख सकते हैं सामने जो है स्विंग पे रामीन साहिबा बैठी हुई हैं, मेरी बड़ी बेटी, और झूले झूल रही हैं। और देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त सा प्ले एरिया बनाया हुआ है इन्होंने बच्चों के लिए ना, यहाँ पे फॉर्म वगैरह लगा के, ताकि बच्चा गिरे भी तो सेव रहे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं, अगर हैं भी तो बहुत जो एक्सपेंसिव पार्क है उनमें है और बच्चे एंजॉय करते हैं। तो ये देख सकते हैं रामी झूला झूल रही हैं और बोल रही हैं कि मुझे पुश करें। तो मैंने अभी रामी को जो है वो झूला झूल रही हूँ बट, और आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं ये सैंड एरिया है और इसके अंदर जो है वो टॉयज लगे हुए हैं बच्चों के। बच्चे यहाँ पे जो है वो सैंड से खेलते हैं। रामीन जो है वो फबिया को मना कर रही है कि तुम सैंड नहीं खेलो। तो आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो सैंड में इंजॉय करें, ये दोनों मानो और रामीन और बिया को हम प्यार से मान। यस, ये देख सकते हैं आप पूरा जो पार्क है, ये यहाँ पे जो है वो प्रे एरिया है जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं सुकून से। और यहाँ पे एक जो ख़वातीन का बना है वो साथ ही आप देख सकते हैं ख़वातीन का कवर्ड बना हुआ है, और ये जो है ये जेंट्स का है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हर चीज़ जो है इस पार्क में उन्होंने अरेंज की हुई है कि आप लोग मतलब आएँ और आप लोग किसी चीज़ की जो है वो परेशानी महसूस ना हो। जो है मेरा सबसे फेवरेट मोस्ट फेवरेट जो एरिया है वो ये वाला है। और ये देखें रामीन भी जो है वो एंजॉय कर रही है फ्लावर्स वाला, और बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लावर्स हैं आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, वाइट, पिंक, रेड और बहुत से कलर्स के फ्लावर्स हैं यहाँ पे।
ये देखें पूरा एक कॉर्नर है और एक खूबसूरत से फ्लावर से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ इस पार्क में। जब नेचुरल कोई चीज़ देखता है तो एक आंखों को ठंडक सी जो होती है महसूस होती है। देखें यहाँ पे बहुत प्यारा है, ये देखें ये बेचारा मुरझा गया है। ये देखें बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं और बहुत ये फबिया भी जो आई है फ्लावर्स पे इंजॉय करने के लिए, देख सकते हैं फबिया जान को। रामीन जो है वो गाड़ी में बैठ चुकी हैं और मैंने क्लोज़ कर दिया है और अल्लाह हाफिज़। हम पार्क से जो है वो निकल आए हैं और अभी हम घर को जा रहे हैं और पार्क वैसे भी यहाँ पे जो ऑलमोस्ट टाइम होता है पार्क का वो 10 o'clock होता है, 10 बजे जो है वो पार्क बंद हो जाती है, क्लोज़ हो जाती हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और गाड़ी जैसे ही आएगी हम गाड़ी में बैठेंगे और इंशाल्लाह हम अपने घर चले जाएंगे। है बहुत ही पास पार्क है लेकिन हम बच्चों की वजह से जो है वो गाड़ी में आते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो तंग करते हैं तो हम गाड़ी में आते हैं। तो अभी जो है हम गाड़ी का वेट करेंगे और साथ चले जाएंगे। तो इसी के साथ जो मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड और मुझे दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़। बाबा पिया पानी दे। फिनिश फिनिश करो। आया